नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सोनू कुमार महावर है। मैं भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, जिसे बुंदेलखंड में ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां पर कृषि वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूं। जैसा कि हमको पता है कि अभी खरीफ का सीज़न आने वाला है, तो खरीफ में जो मुख्य चारा फसलें हैं, जैसे ज्वार जिसे हम चरी के नाम से जानते हैं, मक्का, नेपियर बाजरा हाइब्रिड और लोबिया, इन फसलों में खरपतवार की जो विशेष समस्या होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। चारा फसलों में अगर खरपतवारों का नियंत्रण उचित तरीके से और उचित समय पर नहीं किया जाए तो फसलों की उपज और क्वालिटी में बहुत गिरावट आ सकती है। खरीफ की इन चारा फसलों जैसे चरी, मक्का, लोबिया, नेपियर बाजरा हाइब्रिड, इनमें मुख्य खरपतवार जैसे कि दूब घास, मोथा घास, हजार दाना, दूधी, बड़ी दूधी, इस तरह के और अन्य खरपतवार जो समस्या पैदा करते हैं, इन खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। मक्का और ज्वार में खरपतवार नियंत्रण के लिए दो बार बुआई के 10 से 15 दिन बाद और दूसरी बार बुआई के 30 से 35 दिन बाद खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए हाथों से निराई गुड़ाई करें। और नेपियर बाजरा हाइब्रिड एवं लोबिया में 15 से 30 दिन के बाद में निराई गुड़ाई करें। चरी में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई के अलावा खरपतवार नाशी रसायन का भी उपयोग करें, जैसे कि एट्राजीन, जो बाज़ार में एट्राटफ, रसायन जीन आदि नामों से उपलब्ध है, उसको 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करेंगे, या इसके अलावा ऑक्साडायर्जीन जो खरपतवार नाशी रसायन है उसका 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करेंगे। ये जो ऑक्साडायर्जीन खरपतवार नाशी रसायन है, यह बाज़ार में राप्ट उत्पाद के नाम से उपलब्ध है। चरी में इन खरपतवार नाशी रसायन एट्राजीन को अथवा ऑक्साडायर्जीन का बुआई के 3 से 5 दिन के बाद में छिड़काव करना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाता है तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद में हम 240 का छिड़काव कर सकते हैं। यह 240 रसायन बाज़ार में वीडमार, स्लेस आदि नामों से उपलब्ध है। इसको हम 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करते हैं। नेपियर बाजरा हाइब्रिड में भी चरी के तरह ही खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसमें भी खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करते हैं, या फिर इसके अलावा ऑक्साडायर्जिल 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में बुआई के 3 से 5 दिन के अंदर छिड़काव करना अति आवश्यक है। लोबिया में खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी रसायन जैसे कि इमीजेथापैर, जो बाज़ार में परस्यूट के नाम से उपलब्ध है, इस 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के पानी में मिला के छिड़काव करेंगे, या फिर इसके अलावा जो पेंडामिथिलीन खरपतवार नाशी रसायन है जो मार्केट में स्टॉम्प के नाम से उपलब्ध है, इसे 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के बुआई के 3 से 5 दिन के अंदर छिड़काव करेंगे। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन रसायन का 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के बुआई के 3 से 5 दिन के अंदर छिड़काव करेंगे। इसके अलावा एक खरपतवार नाशी रसायन जो विशेष रूप से मक्का के लिए ही बनाया गया है, जिसे टेम्बोट्रियोन के नाम से जाना जाता है, यह बाज़ार में लौडिस के नाम से उपलब्ध है। इसे 89 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के बुआई के 20 से 25 दिन बाद में छिड़काव करेंगे।